जनपद बिजनौर के थाना क्षेत्र नजीबाबाद ग्राम जोगीरामपुरी में विश्व हिंदू दरगाह आलिया नजफ ए हिंद जोगीरामपुरी में चार दिनी सालाना मजलिसों का सिलसिला कल खत्म होने को ही था कि मातमी मजलिस को खिताब करते हुए उलमा मौलाना हैदर मेहदी जैदी की अचानक तबीयत बिगड़ गई। मौलाना को नगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। नजफ ए हिंद जोगीरामपुरी दरगाह पर गोयली बिजनौर निवासी मौलाना हैदर मेहदी जैदी मातमी मजलिस को खिताब कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। सीने में दर्द होने के बावजूद करीब 30 सेकंड तक उन्होंने खिताब जारी रखा। इसके बाद मजलिस छोड़कर खड़े हो गए। आसपास बैठे जायरीनों ने उन्हें थामा। उधर सूचना मिलते ही दरगाह कमेटी के सचिव मौलाना कसीम अब्बास शमशुल हसन हॉल पहुंचे। मौलाना रजी हैदर मंगलोरी, मौलाना गज नफर हैदर नकवी, तौकी जैदी हुसैन मेहदी ने मौलाना हैदर मेहदी जैदी को नगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। करीब 40 वर्षीय मौलाना का आईसीयू में उपचार चल रहा है, जहां उनकी हालत स्थिर बताई जाती है। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ विकास आर्य की रिपोर्ट। करा गया हुसैन याद आ गए, काश करबला के मैदान में गदीर को याद कर लिया जाता, काश करबला के मैदान में अली की विलायत को समझ लिया जाता। हुसैन हैं करबला के मैदान में, भूखे प्यासे हैं, रन में जा रहे हैं, छोटी बच्ची सकीना तड़प रही है, ए मेरे बाबा के घोड़े रन में ना ले जा। हुसैन ने कहा मेरी बच्ची मुझे जाने दो। कहा बाबा मैं किसके सीने पे सर रख के सोऊंगी। हुसैन ने कहा बेटा आज मैं चला जाऊंगा, तुम वहीं मेरी सीने पे सर रख के सोना। इन्ना लिल्लाह। अल्लामा की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए हजरत असल में उनके पेट में सीने में दर्द उठ गया था अल्लामा के अल्लामा हैदर मेहदी के, बस दुआ करो अल्लाह वो खैरियत से रहे। बस हाथ मौला की बारगाह में हाथ बुलंद करके अल्लामा हैदर मेहदी के लिए दुआ करते तमाम हजरात। परवरदिगार इनकी सेहत रहे, सलामत रहे। और हजरात जैसे कि मैंने कहा था कि ठीक 1 बजे अजान होगी, अजान के बाद नमाज होगी, बाद नमाज से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।